हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिव यंग एंड क्रिएटिव। कड़ी धूप और गर्मियों का सीज़न आ गया है और इस सीज़न में मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप घर बैठे घर की चीज़ों से आप विंडो ब्लाइंड्स या चीक कैसे बना सकते हैं। मैं इस आउटडोर स्पेस के लिए विंडो ब्लाइंड्स एंड या फिर चीक्स बनाने वाली हूँ। सो इस चीज़ को बनाने के लिए हम लोगों को चाहिए एक चटाई या कोई सा भी मटेरियल, फैब्रिक भी हो सकता है, कुछ ऐसे हुक्ड नेल्स, नायलॉन जिपलॉक टाइज, कैंची एंड रस्सी एंड दो डंडे। मेक श्योर करें कि एक डंडा उसमें से ऐसा राउंड शेप का हो और एक कोई सा भी चलेगा। तो अब काम शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चटाई को इस तरीके से अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए और अपने स्टिक या डंडे के हिसाब से इसको कट कर लीजिए। जैसे मेरी चटाई थोड़ी सी चौड़ी थी तो मैंने इसके एजेस को इजीली कैंची से कट करके निकाल दिया एंड दिस वाज प्रीटी इजी। फिर उसके बाद सिपलॉक टाई की मदद से मैं इसको सिक्योर करने वाली हूँ। सो व्हेनेवर यू आर यूजिंग जिपलॉक टाइज, मेक श्योर करो कि आउटर पार्ट बाहर की तरफ हो एंड ये जिपलॉक टाइज बहुत ही ईजिली इसके थ्रू पास कर जा रही थी। जस्ट मेक श्योर ये आउटर पार्ट बाहर की तरफ देख रहा हो, इजली इसके थ्रू आप पास कीजिए एंड पुल। आपको एक कर कर की अजीब सी आवाज़ आएगी, दैट मीन्स इट इज़ गेटिंग टाइट। मेरे ब्रूनो को काफ़ी बदमाशी आ रही है, इसको खेलने का मन कर रहा है एंड इज नॉट इवन लेटिंग मी वर्क। ओहो, ये तो मेरा स्टिक ही खा रहा है, कितनी बदमाशी इसको आ रही है अभी। हाँ बोनो, बस बस बोनो, बस बोनो इज लाइक अब भी नहीं मम्मा, अब भी नहीं। बहुत मुश्किल से समझाने के बाद नाउ आई एम बैक टू वर्क। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं, जब भी आप ये जिपलॉक टाई यूज़ करें, डू नॉट फॉरगेट कि जो सामने निकला हुआ पोर्शन है ना, वो बाहर की तरफ हो, अदरवाइज ये वापस से स्लिप करके खुल जाएगा। एंड वेट फॉर दैट साउंड, अगर साउंड आया मतलब कि ये टाइट हो रहा है। एंड फिर इसको आप इस तरीके से कट करके एज को छोटा कर दीजिए। अब जे हुक्स को कुछ इस तरीके से प्लेस करना है, एक साइड पे तीन और दूसरी साइड पे सिर्फ दो। ये ऊपर वाला, एक ये सामने से और एक साइड, ये कुछ इस तरीके से रहेगा और दूसरी साइड सिर्फ दो हुक। एक हैंड डिस्टेंस या फाइव फिंगर्स के डिस्टेंस पे आप इन सबको यहाँ इस तरीके से आप प्लेस करवा दीजिए। तो मैंने इस चीज़ को कारपेंटर की मदद से यहाँ पे अपने लकड़ियों पे फिक्स करा दिया है या स्टिक्स पे ऐसे फिक्स करा दिया है। सो दिस इज हाउ दे आर लुकिंग नाउ। एक साइड पे तीन हुक्स, एक सामने की ओर, एक ऊपर और एक साइड। ऊपर वाला आपके पूरे स्ट्रक्चर को हैंग करने के लिए है, सामने वाले से रस्सी पास करेगी और दूसरी तरफ सिर्फ दो, ऊपर हैंग करने वाला और सामने रस्सी को पास करने के लिए। बहुत ही सिंपल मैकेनिक्स है। तीसरी जो साइड से निकली हुई है, इसके थ्रू रस्सी पास करेगी मेन, जहां से आप खींचेंगे और टाइट करेंगे। एक बार फिर से बताती हूँ, दो एक साइड, एक ऊपर हैंग करने के लिए और एक सामने वाली रस्सी को पास करने के लिए। इस चीज़ की टेक्निक को मैं लास्ट में एक पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन में भी बता दूंगी। तो जो ऊपर हैंग करने वाली जे हुक है, उससे आप अपनी रस्सी को बहुत टाइटली अच्छे से बांध दीजिए। ये बांधने के बाद चटाई के पीछे से अंदर की तरफ से आप अपनी रस्सी को इस तरीके से पास कीजिए और इसको इस तरीके से आप वहाँ तक ऊपर वाली जो हुक थी सामने वाली, इसके थ्रू हमें पास करना है।
यू इस तरीके से, एंड देन इसको हम लेके जाएंगे दूसरी तरफ। आई होप ये क्लियर है। सो ये वाली रस्सी टोटल 4 पॉइंट्स को टच करेगी। सबसे ऊपर हैंग करने वाली नेल में, पीछे की तरफ से घूम के आएगी एंड सामने वाले जे हुक में, फिर सेकंड वाले जे हुक में, एंड फाइनल लास्ट जो साइड वाली जे हुक है उसके थ्रू ये बाहर निकल जाएगी। इसका मैं हैंडमेड पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन भी लास्ट में अटैच कर दूंगी। दिस विल मेक योर वर्क मच मोर इजियर। सो ये हमारा पहला साइड हो गया। अब दूसरा साइड, दूसरे साइड के लिए भी आप ऊपर वाली हैंग करने वाले जे हुक में इस तरीके से टाइटली बांध लीजिए, एंड देन सेम पिछले वाले टाइम की तरह ही नीचे से आप अपनी रस्सी को पास कीजिए एंड घूम के आएगी ये रस्सी सामने वाली रस्सी से पास किया एंड बस बाहर निकल जाएगी साइड वाले जे हुक से पास होके। तो सिर्फ 3 पॉइंट्स, ऊपर वाला घूम के पीछे से आएगा एंड सामने वाला जे हुक एंड देन साइड से बाहर। सो पहला वाला पॉइंट जिस तरफ सिर्फ 2 हुक था वहाँ पे मेरी रस्सी ने टच किया 4 नेल्स को, और जिस साइड 3 हुक्स था वहाँ पे मेरी रस्सी ने टच किया सिर्फ 3 जे हुक्स को, एंड दिस चीक इज रेडी। अब ताकि ये रस्सी बार बार बाहर स्लिप होकर नहीं निकले, इसलिए मैंने सारे ओपन जे हुक्स को टाइट करके क्लोज कर दिया है ताकि रस्सी वहीं की वहीं रहे, स्लिप होकर बाहर नहीं निकले। इट्स अप टू यू, आई फील मुझे ये करना चाहिए था इसलिए मैंने ये किया, अदरवाइज इट्स ऑप्शनल। और मैंने लास्ट के एज पे एक छोटा सा गांठ बांध दिया है एंड देन माय चीक इज रेडी। एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ कि बनता कैसे है पेपर पेन पे ड्रॉ करके, ताकि कोई कन्फ्यूजन रहे ही ना। पहला, एक जे हुक साइड से, एक ऊपर की तरफ हैंग करने के लिए, और एक सामने से। तो सामने को तो मैं ड्रॉ नहीं कर सकती इसलिए ऐसे बनाया है। दूसरी साइड सिर्फ 2 हुक, ये साइड वाला हुक से आप रस्सी को खींच सकते हैं। अब बारी आती है रस्सी कैसे पास होगी। मैंने इस साइड वाले राइट हैंड साइड वाले में एक हुक रस्सी बांधी है और पीछे से पास किया है। ये डॉटेड लाइन पीछे की रस्सी को रिप्रेजेंट कर रही है। फिर सामने से आएगा, दूसरी वाली नेल के थ्रू पास करेगा एंड ऐसे चलते हुए थर्ड वाले जे हुक से पास होते हुए फोर्थ से बाहर। एक्चुअली ये दोनों रस्सियाँ सीधी रहेंगी, बट जस्ट टू अवॉइड कन्फ्यूजन मैंने इसको 1 और 2 करके लेबल किया है। सो फिर से इस तरीके से पास करते हुए यहाँ से आएगा एंड देन थर्ड एंड देन फोर्थ एंड फोर्थ से बाहर, दैट्स इट। अब आते हैं सेकेंड वाले जे हुक पे। ऊपर से बंधेगा, पीछे से सामने आएगा, सेकेंड वाले जे हुक से पास करेगा, देन थर्ड एंड देन बाहर। तो मतलब ये है कि जिस तरफ 3 हुक्स है वहां पे सिर्फ 3 बार। चलिए अब इसको टांग के देखते हैं कि काम करता भी है या नहीं। सो ये रहा मेरा आउटडोर स्पेस जहाँ पे मैं इस चीक को यूज करूंगी, यहाँ पे एग्जैक्टली, क्योंकि दिन में यहाँ पे बैठ नहीं सकते, बहुत धूप आती है एंड बारिश भी। तो मैं इस चीक के ऊपर वाले हुक्स की तरफ मदद से मैं इसको ऊपर ऐसे हैंग कर दूंगी एंड डन। क्या ये इजी नहीं था? आई एम श्योर आपको इजी लगा होगा। और ये जितना भी रस्सी या थ्रेड या जो भी आपने लगाया है, आप इसमें नायलॉन भी यूज कर सकते हैं। जब भी आपको इसको यूज़ करना हो आप इस तरीके से गांठ यूज़ करें। मैंने इस वाले चीक में काफ़ी सारा एक्स्ट्रा रस्सी डाला है, तो बस जैसे मैंने इसको ऊपर किया
इसमें गांठ बांध के मैं इसकी रस्सी को यहाँ पर ही इस पे टांग दूंगी ताकि ये मैसी नहीं लगे और क्लीन एंड अच्छा लगे। ये रहा विथ माई विंडो ब्लाइंड्स अप एंड दिस इज द अदर साइड। सिंस ये प्लास्टिक का है तो आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू सेव माई स्पेस फ्रॉम रेंज ऑल्सो। एक्चुअली मैंने यूज़ करके देख लिया है, ये रेन से भी मुझे बचाते हैं यहाँ पे। एंड सिंस प्लास्टिक है तो ये ड्यूरेबल भी है एंड चीप भी है। सो दिस इज हाउ माई विंडो ब्लाइंड्स और चीक, हैंडमेड चीक लुक्स लाइक। ये इजी है, अफोर्डेबल है एंड बहुत ड्यूरेबल है। एंड सिंस ये डिज़ाइन लिया है तो इट्स लुकिंग एस्थेटिकली प्लीजिंग एंड गोइंग विथ माई बैकग्राउंड। आई होप आपको ये डी आई वाई चीक का आइडिया अच्छा लगा होगा। यू कैन लीव योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।